दोस्तों, जब इतिहास को छानने की हम बात करते हैं और उसको देखने की बात करते हैं, तब बहुत सारी रुकावटें रहती हैं। वो रुकावटें ये है कि मूल निवासियों ने ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास लिख के नहीं रखा, तो वो अपने किंवदंतियों में संभाल के रखा। तो हमें ये जब किंवदंतियाँ मिलती है, तो कोई किंवदंती जो हजारों सालों से आ रही है, तो हो सकता है उस किंवदंती में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा हो, लेकिन फिर भी इतिहास उससे मालूम होता है। हमारे इतिहासकारों ने भी यही काम किया और किंवदंतियों को इकट्ठा किया, उनके रेला पाटो, उनके गाने वाले, पारंपरिक स्रोत की उनकी जो कथाएं हैं उनको एकत्रित करने की कोशिश की और वहाँ से भी इतिहास ढूंढने की कोशिश की। लेकिन अगर हम प्राचीन इतिहास और मूल निवासियों का इतिहास अगर ढूंढने की कोशिश करें, तो हमारे जो बेस है वो आज के बेस है मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता। और इसके पीछे भी हम चले जाए जहाँ पे द्रविड़ियन जाति रहती है और वहाँ पे आर्यों के आगमन के पूर्व भी हम इतिहास को छानने की कोशिश करें, फिर भी हमें ऐसी कुछ रुकावटें आती है। तो इतिहासकारों ने ऋग्वेद, सामवेद, जो इनके वेद हैं, ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में खुद का इतिहास ढूंढने की कोशिश की। उनको इतिहासकारों को पता था कि कुछ श्लोकों में कुछ यहाँ कुछ कल्पित वर्णन तो होंगे, और ऐसा ही हुआ। हमारे इतिहासकारों को श्लोकों में कुछ वर्णन मिले, उस वर्णन में यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो मूल निवासी थे वो यहाँ के असुर, दैत्य, दानव ऐसे अनेक नामों से संबोधित होते थे। और असुर, दैत्य, दानव कहने वालों का जो अर्थ है वो भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे सच में, जब मैं बचपन से सुनता था तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग ऐसे शुद्ध युग बताए जाते हैं, और उस युग में हमें ये भी बताया जाता था कि देवता लोग रहते थे, वो राक्षसों को मारते थे। और फिर समझ में आया कि राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, पिशाच, ये नाम यहाँ के रहने वाले मूल निवासी राजाओं को दिए गए हैं। जो भी उनके कंपनी से आता था उनको असुर, दैत्य, दानव कहा जाता था। फिर इसकी जो इसका अर्थ है ये ढूंढने की थोड़ी सी मुझ में कोशिश हुई, और मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ टटोले, मोतीराम कंगाली साहब, राजेंद्र बाबू ढोके साहब और अन्य, और फिर ग्रंथों में थोड़ी सी हाईलाइट मिली, जो हाईलाइट आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैक्ट है। मैं इस वीडियो से, इस चैनल से किसी समाज का, समाज की बदनामी नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चैनल से मूल निवासी कंसेप्ट को आगे ला रहा हूँ। और मूल निवासी कंसेप्ट क्या है? मूल निवासी कंसेप्ट तभी ढूंढा जा सकता है जब यहाँ पे जब सब प्राचीन सभ्यता आए हैं उनको टटोला जाए, उनको समझा जाए, उसका अर्थ निकाला जाए, तभी यहाँ पे मूल निवासी कंसेप्ट सिद्ध हो सकता है। क्योंकि जो पहले से था उसको मूल निवासी कहा जाता है, और मूल निवासी अगर इतिहास को ढूंढना हो तो हमें इन ग्रंथों का भी आधार लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के आदिवासी इस बड़े किताब के रचयिता बलदेव सिंह जी ये कह रहे हैं। और इस किताब में यहाँ पे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में क्या था, देवासुर संग्राम क्या है, और प्राचीन जो शब्द है उनका अर्थ क्या है, ये सभी उनके चैप्टर में मुझे मिल गया। कल मैं यही पढ़ रहा था और ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके भी कुछ कंसेप्ट यहाँ से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आज आप सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में मूल निवासी राजाओं का क्या उल्लेख आता है, और ऋग्वेद की ऋचा बोले या श्लोक बोले उनमें से कौन सा अर्थ आता है, किस किस के नाम आते हैं, ये जानने में रुचि होगी। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल करना के अला प्रीति चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ फैक्ट लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं समझाते तो जाऊँगा, लेकिन बलदेव सिंह का जो किताब है भारत के आदिवासी, बहुत बड़ी किताब है, उस किताब में क्या लिखा है ये पहले हम पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करते हैं सतयुग के बारे में। आदि निवासी गोंड, असुर, दैत्य, दानव सतयुग में भारत के शासक थे। अमरकोश का श्लोक जिसमें बताया गया है कि देवताओं से पूर्ववर्ती और उनसे द्वेष रखने वाले थे। असुरा, दैत्य, दैत्यय, दनु, जेंद्रारी, दानवा, शुक्र, शिष्या, दितिसुता, पूर्व देवा, सुरद्विषा। अर्थ, असुर, दैत्य, दैत्यय, दनुज, इंद्र के शत्रु, दानव, शुक्र, शिष्य, दितासुति आदि देवताओं के पूर्ववर्ती और देवताओं के द्वेषी, इस शब्द बात को साफ सिद्ध कर देते हैं कि ये लोग वैदिक आर्य देवों के इस देश में पधारने से पहले यहाँ मौजूद थे, और आर्य देवों का यहाँ रंग जमने से प्रसन्न नहीं थे, बल्कि उनसे द्वेष करते थे। कहना न होगा कि ये ही गोंड, असुर, दैत्य, दानव सत्ययुग अर्थात आदिकाल में भारत के शासक थे। इन्हें राज्यकाल में इस देश में रत्नों का सिक्का चलता था और सोने के बर्तन व्यवहार में थे। ये परम धार्मिक, सत्यवादी, तपस्वी, ज्ञानी, धनी और दानी थे। इनके समय में धर्म और चारों पैर थे, पाप नहीं था। स्त्रियां पद्मिनी थी, गवे कामधेनु थी, नदियां जल से पूर्ण थी, पृथ्वी सब प्रकार के धन धान्य और रत्नों से भरी पूरी थी। किसान एक बार जोतते थे और नौ बार काटते थे।
इस पुण्यात्मा दैत्यवर असुर गोंड राजाओं के नाम है। राजा विक्रम, विध्वंस, वैरोचन, मुकुचंद, भैरव, नंदन, अंधरक, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, पद्धति, बलि, कपिलासुर, कपिलभद्र, सहस्त्राबाहु, कार्तिवीर्य, अर्जुन, स्त्रीपुर, जलंधर इत्यादि उपरोक्त राजाओं के नाम तथा उनके राज्य का गुण गान जो लिखा है गया है वह निम्न श्लोक से सिद्ध होता है। ये श्लोक आपके सामने है दोस्तों। बलदेव सिंह ने जो बातें उछली है उठाई है वो उनके श्लोक में है और श्लोक का उन्होंने अर्थ निकाला है। वहाँ पे बताया गया है कि मूलनिवासी राजाओं के वहाँ पे नाम भी आते हैं, वो श्लोक भी आपने देखा है। अभी हम बात करते हैं प्राचीन जो नाम है जो असुर बोला जाता है, दैत्य बोला जाता है, वो किस अर्थ से है ये भी हम जानते हैं। कुछ शब्दों के प्राचीन अर्थ, दास शब्द का प्राचीन अर्थ है दानी, आर्य शब्द का अर्थ है घुमक्कड़ और इंद्र शब्द का अर्थ है सेनापति। असुर का अर्थ है आदि देवा, दानव का अर्थ दानी और दमनशील, राक्षस का अर्थ रक्षक और पालक, निशाचर का अर्थ रात का पहरेदार, रात में चोर लिटोरों से समाज की रक्षा करने वाला तथा असुर का दूसरा अर्थ है अमद्यपि या मदिरा न पीने वाला है। विरुद्ध इसके सुर का अर्थ सुरापी अर्थात शराब पीने वाला। और देवों को स्वयं आर्यों की ईरानी शाखा के पारसी लोग पपिष्ट, भयानक कर्मा, क्रूर और अमानुष्य आदि कहते हैं। जैसे राजा इंद्र की सभा का काला देव, लाल देव इत्यादि, किंतु किसी जाति को बुरा और अपने को अच्छा राग द्वेष के कारण ही कहा जाता है। आजकल भी आर्य हिंदू लोग मुसलमानों को म्लेंच तथा यूरोपीनियों को मेघनाद वंशी राक्षस आदि कहा करते हैं। दोस्तों आपने जो अर्थ के नाम सुने हैं, बलदेव सिंह ने इस अर्थ को बहुत बुरी तरह से खोजा है और इसको खोजने के बाद ही यहाँ पे किताब में उनका संशोधन आया है। दोस्तों अब हम ही देखते हैं कि देवासुर संग्राम कब हुआ, जो देव और असुरों में संग्राम हुआ वो कैसे हुआ, इनका भी बलदेव सिंह जी क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। देवासुर संग्राम जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित एवं अन्य इतिहासकारों ने अपने इतिहास में लिखा है, यह युद्ध भारत के शासक आदि निवासियों, गोंडों और काश्पियन सागर के किनारे के निवास करने वाले आर्य देवताओं से हुआ है, जिसमें गोंडों के 70 राजाओं के नाम आए जो निम्न प्रकार से है। ऐसे बहुत सारे नाम है, कई जगह सिर्फ वंश का नाम दिया है, नाम नहीं लिखा गया, उन सबको मिलाकर 70 राजे होते हैं जो लड़े थे। चलो दोस्तों हम आगे जानते हैं कि बलदेव सिंह जी त्रेता युग के बारे में क्या कहते हैं। त्रेता युग में जितनी लड़ाइयाँ हुई सब यहाँ के मूल निवासियों गोंडो लोगों से हुई। राम रावण युद्ध जो हुआ वह भी आदिवासी मूल निवासी गोंडों से हुई। रावण गोंड वंश का था, उसकी सेना गोंडों की थी, जो मूल निवासी फूट कर राम की तरफ चले गए थे, वह भी आदि निवासी थे। उन्होंने बल से राम ने विजय पाई, नहीं तो इनमें ऐसी कोई शक्ति नहीं थी वह विजय कर सकते थे। रावण राम के वंशजों को अनेकों बार हरा चुका था। इस लड़ाई में विशेष देवताओं ब्राह्मणों का हाथ था, उन्हीं लोगों ने छल बल कपट से मूल निवासियों के महाराजा रावण को हरवाया, किंतु फिर भी उसके राज्य में परिपूर्ण रूप से राम का शासन जम न सका और न इसके धर्म को वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया। इतना अवश्य हुआ कि कुछ लोग इनमें मिल गए थे, उनकी वही दशा हुई कि घर के रहे न घाट के हुए, यानी किसी तरफ के न रह गए। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं द्वापर युग में क्या हुआ। महाभारत में पांडवों की तरफ होकर कौरवों के साथ गोंडों की सेना लड़ी थी, जिसका वर्णन महाभारत में आया है, जो निम्न प्रकार है। श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। यह वीर केसरी अभिमन्यु के चक्रव्यूह के किले में सप्तरंगी द्वारा मारे जाने के पश्चात उनकी माता सुभद्रा की विलाप उक्ति है। पुराणों रामायण महाभारत आदि इतने ग्रंथों में चेदीराज के नाम से प्रख्यात गोंड राज ही था। और दोस्तों हमें जब ढूंढने से कुछ मिलता है, अभी बहुत लोग कहेंगे कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मूल निवासी कंसेप्ट को खोजना हमारा काम है। और बलदेव सिंह जी अपनी किताब में क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमें बचपन से यही देखता आया, हम टीवी में भी देखते हैं कि भगवान जो थे वो असुर दैत्य को मारते थे, तब हमें अच्छा लगता था असुर राक्षस वगैरह। जब ढूंढने की कोशिश हुई कि ये दैत्य, असुर, दानव ये कौन थे, तब पता चला कि यहाँ पे मूल निवासी कंसेप्ट में आने वाले लोग ही यहाँ पे असुर दैत्य दानव थे। और फिर बलदेव सिंह जी साहब ने अपनी किताब में इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की और वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों आप ये फैक्ट तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब भी किसी का भी आक्रमण हुआ हो, लेकिन अगर यहाँ पे वर्चस्व करना हो तो यहाँ के मूल निवासियों को हटाना यह पहला इनका मिशन था और मूल निवासियों को वैसे ही यहाँ पे हटाया गया है।
तो दोस्तों आप बाकी बातें आप समझदार हो, समझ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।